गर्भवती बकरियों का बच्चा हिरन और शेर का हुआ। जंगल में एक बंदरों का दल रहता था। उस दल का मुखिया एक बुजुर्ग बंदर था। उस दल में एक लूना नाम की बंदरिया भी रहती थी, जो पहली बार गर्भवती थी। लूना बहुत ही खुश थी। वो सबको अपनी खुशी बता रही थी। मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है, आज मैं बहुत खुश हूँ। लूना खुशी से नाचने लगती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूमती रहती है। तब दल का मुखिया कहता है, अरे लूना संभल कर, अपनी खुशी को खुद ही नजर मत लगा, ऐसे नाचने से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ मुखिया जी, पर मैं इतनी खुश हूँ कि खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। पर मैं आज से अपना और अपने बच्चे का ख्याल जरूर रखूंगी। लूना अब संभल कर रहने लगती है। एक दिन लूना अपने साथियों के साथ फलों की तलाश में जाती है। कुछ बंदर पेड़ों पर थे तो कुछ पेड़ों के नीचे। लूना गर्भवती होने के कारण वो पेड़ के नीचे ही फलों की तलाश कर रही थी। पर ऐसे में अचानक एक दहाड़ गूंज उठी। बंदरों के पैरों तले जमीन कांपने लगी। हवा में तनाव भर गया। तब मुखिया कहता है, लगता है शेर शिकार पर है और वो भूखा भी होगा, इसलिए जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ, जल्दी करो लूना तुम भी। सारे बंदर जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी पेड़ों पर चढ़ने लगे। पर भारी पेड़ की वजह से लूना पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि अब वो तेजी से पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगी। शेर पास आने की आहट हो रही थी। तब लूना कहती है, मुखिया जी मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही हूँ, मेरी मदद कीजिए मुखिया जी। अरे लूना मैं भी बुजुर्ग हूँ, पर रुक जाओ, मैं दल के जवान बंदरों को तुम्हारी मदद करने के लिए कहता हूँ। तब मुखिया बाकी बंदरों से कहते हैं, सुनो हमारे दल की लूना नीचे है और तुम सब उसकी मदद करने के बजाय यहाँ पेड़ पर चढ़ गए, जाओ जल्दी से उसकी मदद करो। तब कुछ बंदर लूना की मदद करने आते हैं। बंदर लूना की मदद करते कि तभी शेर सामने आता है। बंदर शेर को देख के डर के मारे लूना को वहीं छोड़कर भाग जाता है। शेर भूखा था, उसने लूना की कमजोरी जान ली थी। अरे ओ बंदरिया, अब भागने की कोशिश मत कर और तुम्हारे साथी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, इसलिए खुद को मेरे हवाले कर दे। तब लूना अपने साथियों की तरफ देखती है। उसकी नजरें मदद के लिए भीख मांग रही थी, पर उसके साथी पहले से ही डरे हुए थे। क्या आप सब इतने सारे होने के बावजूद भी मेरी मदद नहीं कर सकते? मेरे बच्चे को ऐसे मरने के लिए मत छोड़िए। मुखिया जी आप तो कुछ करिए ना। ठीक है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे बच्चे को बचाने के लिए मैं खुद शेर का सामना करूंगी। मैं माँ हूँ, मेरी ताकत सबसे ज्यादा है। लूना पूरी ताकत और जोश के साथ आगे बढ़ी। भूखा शेर आगे पीछे का न सोचकर बिजली की गति के साथ अपने विशाल पंजे से उस पर झपटा मारने की कोशिश की। तब अपनी सूझबूझ से लूना पंजों से बचते हुए एक तरफ चली गई, लेकिन जल्दबाजी में लूना लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। उसके मुंह से अपने बच्चे के लिए आवाज निकली, मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? बेटा घबराना नहीं, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इधर शेर आखिरी प्रहार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो लूना को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही एक गगनभेदी आवाज आती है। तभी वहाँ एक बड़े बड़े सिंगों वाला हिरन सामने आता है। रुक जा शेर, एक बेबस गर्भवती को मारते हुए तुझे शर्म नहीं आती है क्या? देख पीछे हट जा, नहीं तो मैं अपनी धारदार सिंगों से तेरा पेट चीर दूंगा। अरे जा रे जा, तू मामूली हिरन, मैं तुझसे डरने वाला नहीं, समझे ना। शेर के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। हिरन अपने सिंगों से शेर को वार पर वार करता है। शेर घायल होने लगता है, उसके शरीर पर चोट लगकर खून बहने लगता है। तब शेर खुद की जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। बहन तुम ठीक तो हो ना? आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
मैं आपका ये उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगी। शेर के भागने के बाद मुखिया के साथ बाकी के बंदर पेड़ के नीचे आते हैं। तब हिरन उन सब से कहता है, अपने साथी को मजबूरी में यूं छोड़कर भागना अच्छी बात नहीं है। तुम सब मिलकर उस शेर का सामना कर सकते थे, अपनी एकता से उसे हरा भी सकते थे। हाँ हिरन, तुम सही कह रहे हो, हम ये बात ध्यान में रखेंगे। लूना, हम सबको माफ कर दो, अब तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। हिरन का सब धन्यवाद करते हैं, हिरन वहाँ से चला जाता है। उस दिन बंदरों के दल को एकता का महत्व समझ आता है और मुसीबत में सबकी मदद करने लगते हैं। लूना भी अपने बच्चे को जन्म देकर खुशी खुशी रहने लगती है। दो मूर्ख बंदर। एक समय की बात है, घने जंगल के बीचों बीच कोको और मीको नाम के दो बंदर रहते थे। वो अपनी शरारती हरकतों से और कम प्रतिभाशाली बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्धि के कमी के बावजूद वे सबसे अच्छे दोस्त और दोनों अपने हर अपराध में भागीदार रहते थे। एक दिन जब जंगल पक्षियों की चहचहाट और पत्तियों की सरसराहट से गूंज रहा था, कोको और मीको एक पेड़ की शाखा पर लेटे अपना आलस निकालते हुए आराम कर रहे थे कि तभी कोको अपना सर खुजाते हुए कहता है, अरे यार मीको, मैं उब गया हूँ और बोर हो रहा हूँ, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तब मीको जो केला खाने में व्यस्त था, वो केला खाते खाते ही कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो कुछ नारियल ढूंढते हैं, वैसे भी केले खा खा के अब मैं बोर हो गया हूँ। अरे लेकिन जहाँ नारियल का बगीचा है, सुना है वहाँ कोई पहरेदार है। वो, अरे वो तो एक बेवकूफ गोरिला है, उसे हम आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। तुम डरो मत, बस चलो चलते हैं। इसके साथ ही दोनों बंदर पेड़ों से कूदते हुए उस नारियल के बगीचे की तरफ निकल गए। थोड़ी देर में वो पहुंचते ही उनकी नजर नारियल के बगीचे पर पड़ी, जहां दोनों ने नारियल का एक बड़ा सा ढेर देखा, जिसे देखकर कोको कहता है, जैकपॉट लग गया आज तो, वो देख सामने। अरे कोको, चल अब देखता ही रहेगा क्या, जल्दी से जितना उठा सकते हो उठा लो और भागो यहाँ से। दोनों ने अपनी अपनी बाहों में नारियल भरना शुरू कर दिया और बच्चों की तरह खिलखिलाने लगे। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी, अरे ओ, कौन हो तुम दोनों और तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? आवाज के सुनते ही कोको थर थर कांपने लगा, जिसे देख मीको कहता है, अरे कोको तू डर मत, मैंने कहा था ना तुझे कि यहाँ एक बेवकूफ सा गोरिला पहरेदारी करता है और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उसे देखते हैं। ये सुनकर कोको और मीको दोनों पीछे मुड़ते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई गोरिला नहीं बल्कि एक खूंखार शेर खड़ा था, जिसे देखकर दोनों कांपने लगे। तब कोको कहता है, अरे मीको, आजकल तू शेर को ही गोरिला समझने लगा है क्या? अरे ये शेर है शेर, कोई गोरिला नहीं। अरे ये तो शेर है, लेकिन भरोसा कर, यहाँ पहरेदार एक गोरिला ही था। ये शेर कब से यहाँ ज्वाइन हुआ मुझे भी नहीं पता। मीको के बच्चे, आज तो तूने मरवा दिया रे। शेर महाराज, यहाँ तो कोई बेवकूफ सा गोरिला पहरेदार था, वो कहा गया? ये सुनते ही शेर जोर से दहाड़ मार कर कहने लगा, खबरदार, जो उन्हें बेवकूफ कहा वो तो मेरे मालिक है, पहरेदार तो मैं हूँ यहाँ पे। कोको मीको की तरफ देखकर कहता है, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो शेर पहरेदार है मीको, समझे, और गोरिला तो मालिक है मालिक। तभी धीरे धीरे शेर दोनों की तरफ बढ़ने लगा। कोको कहता है, हाँ हम बस ये नारियल उधार ले रहे हैं। उधार ले रहे हैं? ठीक है, लेकिन इसके पैसे लगेंगे। तभी मीको ने कोको से फुसफुसा कर कहा, अबे कोको, ये शेर आखिर इन पैसों का क्या करेगा? लेकिन शेर ने ये बात सुन ली, अरे उन पैसों से मैं गोटियां खेलूंगा, तुझे क्या करना है, चल पैसा निकाल वरना।
शेर महाराज, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तब शेर जोर से चिल्लाते हुए, क्या कहा, पैसे नहीं है? रेमिको, अब ये हम दोनों को मार डालेगा और कच्चा चबा जाएगा। दोनों अपना चेहरा हाथ से छुपा लेते हैं, लेकिन तभी शेर शांत होकर कहता है, अच्छा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे में आपको एक काम करना होगा। काम? अरे कोको, क्या शेर ने काम कहा? हाँ मिको, सही सुना तूने, लेकिन शेर भाई हम बंदर है, हमें तो कोई काम नहीं आता। शेर ने फिर से दहाड़ मारी और कहा, मैं पहरेदार हूँ, इसका मतलब मैंने शिकार करना छोड़ दिया? ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। चलो अब सामने पड़े खजूर के ढेर से खराब खजूर को चुनना शुरू करो। शेर काम बताकर वापस जाने लगा। कोको और मिको ने एक दूसरे को देखकर और थर थर कांपते हुए पूरा दिन खजूर निकालने में बिताया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शेर वापस लौटा और पाया कि काम आधा अधूरा है। तब वो बहुत नाराज हुआ। तुम दोनों बेवकूफ हो, तुमसे काम करवाना ही मेरी गलती हुई। चलो अपने नारियल उठाओ और चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही कोको और मिको ने नारियल उठाए और जंगल में भाग गए। वे तब तक नहीं रुके जब तक अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो अपने पेड़ पर वापस आए, ठीक है कोई बात नहीं, जान तो बच गई। हाँ, लेकिन अगली बार हम केले ही खाएंगे, नारियल खाने का तो मेरा इंटरेस्ट ही मर गया। कोको और मीको दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसने लगे।